एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइनली फैसल हिंदी में। एंड आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूं 3 इजी बन हेयर स्टाइल, और तीनों बन काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, विद इन अ मिनट बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बन से। इसके लिए आपको अपनी पोनी बनानी है लाइक सो। बस आप रबर बैंड लगा लो, टाइप कर लो, आपको जितनी हाइट पर आपको बन चाहिए ना उतनी हाइट पर आपको पोनी बनानी है। देन उसको आप डिवाइड करो 2 पार्ट में इस तरह से। एंड जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखना, आपको उस लुक में इसे फंसाना है और इस तरह से लुक के अंदर डाल के आप उसे स्प्रेड कर दीजिए ताकि वो एक हाफ डोनट काइंड ऑफ बन जाए। एंड देन नीचे के पार्ट को लीजिए और अगेन उसे उस लुक में डालिए और उसे सिक्योर करके उसे भी हाफ बन का लुक दे दीजिए, और दोनों हाफ बन मिलके हो जाएंगे एक पूरा कंप्लीट बन। और यहाँ पे आपको कोई भी डोनट नहीं लग रहा है, कोई एक्सेसरीज नहीं लग रहा है। विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल रबर बैंड आप इतना प्यारा सा बन हेयर स्टाइल बना सकते हो। एंड ये सुपर डुपर इजी है। आगे आप अपने हेयर को पुल कर लो, थोड़े से फ्लैक्स निकाल लो जो आपके हेयर को सूट करते हैं। थोड़ा सा पुल करने से ना आपके फेस को काफ़ी अच्छा टेक्सचर मिलता है। सो यस, ये बन रेडी है बिल्कुल। मूव करते हैं सेकंड हेयर स्टाइल पे, और इसके लिए आपको बस अपने फिंगर्स का यूज करना है और आपको एक अच्छा सा पोनी बनाना है। और फिंगर्स की हेल्प से यदि आप पोनी बनाओगे ना तो एक वॉल्यूम ऐड होगा आपके हेड के अराउंड और वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। और बस आप इस तरह से पोनी बनाओ। एंड आगे से थोड़े से बाल स्ट्रेच कर लो, आप फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट से इस तरह से स्ट्रेच कर लो ताकि थोड़ा सा आपके हेड के ऊपर एक वॉल्यूम दिखे और उससे फेस का ऑल ओवर लुक काफ़ी अच्छा आता है। एंड देन अपने हेयर्स को यहाँ पे आपको डिवाइड करनी है। सबसे फर्स्ट सेक्शन आपको लेना है ऊपर का लाइक सो, एंड देन नीचे के पार्ट को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करनी है, यानी कि आपको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करनी है। एंड आप रबर बैंड से उसे सिक्योर कर दो। सेम आपको तीनों पार्ट के साथ करनी है। और सबसे अच्छी बात है ना कि तीनों जो मैं हेयर स्टाइल बता रही हूँ ना, शॉर्ट हेयर पे बहुत ही प्यारे से बन बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि जिसके लॉन्ग हेयर है वही एक अच्छा बन बना सकती हैं। आप शॉर्ट हेयर में बहुत क्यूट एंड वॉल्यूमिनस बन बना सकते हो। तो सी इस तरह से तीनों सिक्योर करने के बाद आप बीच में एक गैप दो एंड देन उसे फिर पलट दो वापस से, एंड इस तरह से उसे स्ट्रेच आउट करो ताकि एक अच्छा सा वॉल्यूम ऐड हो जाए आपके हेयर में। एंड देन उसे आप फ्लिप करके वहाँ सिक्योर कर दो विद द हेल्प ऑफ बॉबी पिन। एंड सेम आपको तीनों में करना है, बीच में एक गैप दो, देन रिवर्स कर दो, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करो ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो जाए, देन सिक्योर इट। और चूंकि मेरे थिन हेयर हैं तो मैं इतना ही वॉल्यूम ऐड कर सकती हूँ, बट यदि आपके थोड़े से भी यदि वॉल्यूमिनस हेयर है ना तो ये बन आपके ऊपर और भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। आप जितना स्ट्रेच करोगे वो उतना ज़्यादा वॉल्यूमिनस नज़र आएगा। तो इसी तरह से थर्ड को भी करनी है, एंड देन आप उसे सिक्योर कर लो और अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लो ताकि वो बिल्कुल फ्लावर काइंड ऑफ आपको एक बन आपका तैयार हो जाएगा और वो देखने में काफ़ी प्रिटी लगेगा। एंड लुक एट द फाइनल लुक, प्रिटी है ना। सो मूव करते हैं थर्ड हेयर स्टाइल पे, और इसके लिए आपको चाहिए कुछ इस तरह का रबर बैंड जिसके नीचे थोड़ा एक स्कार्फ काइंड ऑफ एक फैब्रिक लटका हो। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा 20-30 रुपीज़ में, या हार्डली 50 रुपीज़ के अंदर तो आ ही जाएगा। और इसके लिए आपको अगेन बस पोनी करना है अपने फिंगर की हेल्प से। देन आप अपने पोनी को सिक्योर कीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस रबर बैंड इस तरह से। एंड जो आप सेकंड बार जब आप अपने हेयर को निकालोगे ना तो उसको हाफ निकाल के उसको स्ट्रेच कर देना जिस तरह से मैंने यहाँ किया है। एंड उसका जो 2 पार्ट है उसे आपको बैक में ले जाना है एंड इस तरह से टाई कर दो।
एंड जो दोनों आपके जो हेयर्स की जो ऊपर के पार्ट है ना उसे स्ट्रेच आउट करके आपको दोनों साइड में अच्छी तरह से बॉबी पिन लगा के उसे सिक्योर कर दो। और ये काफ़ी अच्छा आपको प्रिटी लुक देगा यदि आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर आप डे आउट के लिए जा रहे हो, तो इस तरह के हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस में इस तरह का हेयर स्टाइल कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। इसके पहले के जो मैंने आपको दो हेयर स्टाइल बताया ना, वो आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों में कर सकते हो, बट ये जो हेयर स्टाइल है वो वेस्टर्न आउटफिट पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेंगे। तो बस आपको क्या करना है ना कि जो भी ऊपर जो वॉल्यूम बन रहा है उसको अच्छी तरह से आपको स्ट्रेच करना है। आपको देखना है कि आपके फेस पे वो कितना वॉल्यूमिनस अच्छा दिख रहा है। आपको ज़्यादा वॉल्यूम ऐड करनी है या कम ऐड करनी है वो टोटली अप टू यू है, लेकिन ये देखने में काफ़ी क्यूट एंड प्रिटी लगेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। विद इन अ मिनट ये तीनों हेयर स्टाइल बन जाएंगे, काफ़ी ईजी है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट रेडियो से मिलने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।